नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश बदाने और आज मैं आपको कोरल ड्रॉ का एक जो इशू है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप कोरल में देखेंगे तो फाइल को सेव, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और पीडीएफ क्रिएट करना, जेपेक क्रिएट करना हम नहीं कर पाते, तो उस ऑप्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको अभी हम देखते हैं। तो उसके लिए चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले क्या करना है, विंडोज़ आर हमें प्रेस करना है कीबोर्ड पे, जो रन एप्लीकेशन को एक्टिवेट करता है। रन में हमें डालना है परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज और इस पे हम लोग ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगा जिसके अंदर हमें कोरल का एक फोल्डर मिलेगा। कोरल ये ऑप्शन मैंने पहले भी यूज़ करके देखा है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट है। अभी जहाँ पे कोरल ड्रॉ ग्राफिक शूट X6, क्योंकि ये मेरा वर्जन है लीगल वर्जन, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, इस फोल्डर को हमें रीनेम करना है। रीनेम क्या करना है कि जो भी वर्जन आपका है X6.old नाम से इसको रीनेम करना है। ये रीनेम होने के बाद हमें सिंपल इसको क्लोज कर देना है, क्लोज ओपन रहने देते हैं। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से F8 नाम का की जो है वो प्रेस करके रखेंगे और उसी के साथ हम कोरल, वो प्रेस करके रखना है, उसको रिलीज नहीं करना है, कोरल को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी कोरल को स्टार्ट किया है, अब देखेंगे यहाँ पे कोरल ओपन हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा जिसमें मैसेज होगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरल है हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है इसको हमें फैक्ट्री डिफॉल्ट रिस्टोर सेटिंग कर देना है। तो इसको हमें करना है, यस वी वॉन्ट दैट। सो अभी ये कोरल हमें पूरा कंप्लीटली नए से स्टार्ट हो गया। आपने देखा यहाँ पे जैसे हम कोरल को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम जो सेटिंग्स और ये दिखता है वैसे कोरल आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, चेक करते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया, मैंने कुछ बॉक्सेस और ये क्रिएट किया है और देन एक्सपोर्ट पे चेक करते हैं, मेरा एक्सपोर्ट ऑप्शन आ गया। सेव एज का ऑप्शन चेक करते हैं और डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ इसको, यहाँ पे नाम देते हैं टेस्ट फॉर कोरल एंड सेव। तो देखो दोस्त, यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ये मेरा फाइल सेव हो गया। इतना सिंपल सॉल्यूशन हमें करना है जिससे अपना कोरल एकदम प्रॉपरली वर्कआउट करने लग जाएगा। ऐसे ही कुछ नए नए जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपके आपको कोरल के बारे में कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जितना जल्दी हो सके हम उस पर एक नया वीडियो बना के आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।